ये आमो का मैग्नेटिक किट है, EMM से और UFS का रीबॉलिंग किट है। तो आज मैं आपको इसके अंदर दिखाऊंगा इसके अंदर क्या आता है और ये कैसा काम करता है, आपको लेना है या नहीं लेना है बोल के। तो मैंने इसको आज ही मंगाया है, तो आप इधर देख सकते हैं। ये जो है इसका ये बेस है, ये मैग्नेटिक बेस है। उसके बाद ये IC का स्टैंड आता है IC लगाने के लिए। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा ये रीबॉलिंग कैसा होता है, इसमें आसान होता है या मुश्किल होता है बोल के। तो आपको इधर मैं आपको हर चीज़ भी इसमें का डिटेल दिखाऊंगा। तो ये पूरा भी इसका किट है, ये स्टेंसिल का किट है। इसके अंदर कितना स्टेंसिल आता है मैं आपको इधर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इधर देख सकते हैं। तो IC के अलाइनमेंट के लिए दिया है, कुछ IC पतला भी होता है उसको एडजस्ट करने के लिए दिया है। उसके बाद ये PPD पेस्ट लगाने के लिए दिया है। और ये दो रिंग है इसके अंदर, तो ये रिंग कुछ मॉडल के अंदर IC हाइट आता है तो उसको एडजस्ट के लिए दिया है। और ये पूरा भी ये स्टेंसिल है। इसके अंदर आपको EMMC और UFS का मिलेगा, यूनिवर्सल नहीं आया है अभी तक। तो मेरे पास इतना ही किट आया है। तो इसके अंदर 153, 169, 221 5-6 मॉडल का, सारे मॉडल का इसके अंदर EMMC का पूरा भी स्टेंसिल दिया है। तो अभी मैं आपको इसके अंदर एक IC रीबॉल करके दिखाऊंगा, इसके अंदर IC रीबॉलिंग में कैसा आता है बोल के। तो ये मेरे पास 169 के IC है। तो आपको इसको सेंटर के अंदर माउंट करना पड़ता है इसके अंदर। तो इधर मैंने माउंट किया है, लेकिन मेरे को इसमें थोड़ा हाइट कम है। तो अभी मेरे को इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हाइट एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसके अंदर भी हाइट एडजस्ट करने के लिए कुछ इस तरीके से ये दिया है एडजस्ट करने के लिए। तो ये 0.15 का है। तो इसको इसके नीचे ऐसा रखना पड़ता है इसको, उसके बाद इसके ऊपर IC रखना पड़ता है। उसके बाद आपको सिर्फ क्या करना पड़ता है, आप इधर को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। IC भी क्लीन से बैठ गया है, एक लेवल में बैठा है। तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, इसका स्टेंसिल इसके ऊपर रखना पड़ता है बस। आपको ट्यूज़र में पकड़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं रहती है इसके अंदर। तो ये पूरा भी मैग्नेटिक का है। तो इसका स्टेंसिल है ये, सिर्फ आपको इसके ऊपर रखना है बस। इसके अंदर मैग्नेट रहता है, वो ठीक से पूरा भी इधर ही पकड़ के रहता है। तो अभी मैं इसको रीबॉल करके देखूंगा इसका कैसा आएगा IC रिबॉल करने के बाद। तो इसमें ये PPD लगाने के लिए कुछ ये भी दिया है उसका। तो इसके अंदर क्या होता है, आपको ट्यूज़र में पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं रहती है और माइक्रोस्कोप में देखने की भी ज़रूरत नहीं रहती है इसके अंदर। तो अभी आपको क्या करना है, सिर्फ हीट करना है इसके ऊपर। आप इधर देख सकते हैं, इधर पूरा भी बॉल बन गया है इसका, पूरा बॉल भी इक्वल एंड में आया है पूरा भी।
आपको इधर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा आप इधर देख सकते हैं। इधर देखिए, इसका पूरा भी बाल इक्वल एंड में है, पूरा भी नीचे ऊपर, एक बाल भी नीचे ऊपर नहीं हुआ इसके अंदर। तो इसके अंदर अभी सिर्फ ईएमएमसी और यूएफएस के लिए है स्टेंसिल, अभी यूनिवर्सल में मार्केट के अंदर आया है स्टेंसिल मिलेगा या नहीं मिलेगा मेरे को भी अभी पता नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको ईएमएमसी और यूएफएस के बारे में ही ये दिखा रहा हूँ। अगर आपको इसके अंदर मार्केट के अंदर यूनिवर्सल का मिल जाएगा तो आपका पूरा भी काम बहुत आसानी से हो जाएगा इसके अंदर, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा इसके अंदर। तो ये पूरा भी इसका किट है, ये सुगंध का T26 मॉडल है। तो इसका मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा इसका रिव्यू कैसा है, आपको लेना है या नहीं लेना है बोल के, लेकिन आपको ये वीडियो के अंदर कुछ ट्रेल दिखा रहा हूँ मैं, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसके बारे में मैं पूरा भी जानकारी दूंगा, ये कैसा काम करता है, इसका क्वालिटी कैसा है, ये किधर मिलता है, आपको पूरा डिटेल बोलूँगा आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।